तो दोस्तों हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आप सभी लोगों के जीवन में खुशियां लेकर के आए। पिछले जो 2-3 सालों में झेला है वो जीवन में कभी देखने को ना मिले। तो दोस्तों अब आज नया साल है, आज तो मुझे एक फ्लावर प्लांट लगाना ही चाहिए। इसलिए देखिए मैंने ये बचा करके रखा था कि मैं इसको नए साल के दिन अपने पॉट में शिफ्ट करूंगी। तो दोस्तों चलिए इसको मैं अपने इस पॉट में लगा देती हूँ। और मैंने देखिए ये क्या कारीगरी करके रखी है, वेलकम 2024। जैसे हम लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, उसी तरह हमारे एक प्लांट दूसरे को बधाई देंगे, वेलकम 2024। ये देखिए जैसा भी मुझसे बन पड़ा वैसा हमने बनाया। अभी ये अच्छी तरह से सूखा भी नहीं है, फिर भी मैंने इसको बना करके रखा कि मैं एक भाई अपने प्लांटर को भी बनाऊं हैप्पी न्यू ईयर और वेलकम 2024। तो चलिए इसको मैं पहले भरती हूँ। ये हमारे पास पुरानी पत्तियों की सूखी पत्तियाँ और पतली पतली टहनियाँ हैं, तो पहले मैं नीचे इसी को डाल दूंगी, ये खाद बनती रहेगी, और ऊपर मिट्टी डाल करके मैं पौधा लगा दूंगी। कल तो सूर्य देव निकले थे, आज तो बिल्कुल नहीं निकले। अब मैं इसमें मिट्टी भर के एक पौधा, आज नए साल पर तो एक पौधा लगाना ही बनता है, क्योंकि नए साल पर पौधा लगाएंगे तो पूरे सालों साल हमारे गार्डन में पौधे लगते रहेंगे। और इसको तो मैंने खास इसी दिन के लिए बचा करके रखा था कि मैं इसकी रिपोर्टिंग नए साल के दिन ही करूंगी। तो ये देखिए बहुत बचा करके रखा था इसको मैंने, ये देखिए इसको बिठा दिया मैंने इसमें। तो मैं इसकी चारों तरफ से मिट्टी भर दूंगी बहुत आराम से। पौधा बड़ा नाजुक है, जड़ें खूब सारी आई हुई हैं। लगाना तो आप सभी को भी चाहिए कि एक पौधा आज नए साल के दिन, लेकिन पता नहीं कितने लगाए भी होंगे बहुत सारे लोग। इस ब्रांच की कलियां झड़ गई थी तो इसको हमें निकालना होगा बहुत सावधानी से। और एक ही पत्ती पुरानी पड़ गई है, मैंने लगा दिया पौधा। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाले दे रही हूँ, नए साल का पौधा है, देखते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अपने साथी प्लांटरों का वेलकम करते हुए साल के उपलक्ष्य में मैंने ये पौधा लगाया है। ये हमारी यादगार में रहेगा कि मैंने इसको नए साल पर लगाया था। 2024 के स्वागत के लिए हमारे बगीचे में ये पौधा तन करके खड़ा हो गया है बिल्कुल। अब ये वर्षा धूप छांव सब सहता हुआ हमारे गार्डन की शोभा बनता रहेगा। अभी मैंने इसको लगा दिया है, नॉर्मल पानी दे दिया है, अभी मैं इसको कुछ भी नहीं दूंगी। 2-4-6 दिन ये सबके साथ रहेगा, दोस्ती करता रहेगा, उसके बाद में मैं इसको लिक्विड फर्टिलाइजर देती रहूँगी। डब्बा छोटा है तो इसमें खाद देने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, तो इसको लिक्विड फर्टिलाइजर ही मिलता रहेगा। सब्जियों के छिलके का रस, फलों के छिलकों का रस, यही सब देती रहूँगी। अभी तो मैं इसको ले करके जा करके शेड एरिया के नीचे रखूँगी, क्योंकि कोहरा पाला सब पड़ रहा है, पौधे खराब हो रहे हैं, कोई बचा पाने के लिए हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है। पूरे उधर तरफ की तो गुलदाउदी सब काली पड़ गई है, वो भी गए हैं महीना डेढ़ महीना। और देखिए ये देखिए मैंने कॉसमोस का पौधा लगाया था, ये मीसो के बीजों से, तो बढ़िया बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हुई है, बहुत खूबसूरत फूल निकल करके आया है। डहलिया में भी देखिए 2-4 फूल रोज ही निकलते हैं, 2-3 तो निकलते हैं। और मैंने पता नहीं कि मेरे दिमाग में एक दिन क्या आया, तो मैंने सोचा कि लाओ इसकी एक पतली सी ब्रांच कट करके लगा करके देखूं कि क्या ये कटिंग से लग जाएगा। तो मुझे उम्मीद लग रही है कि ये लग जाएगा, देखते हैं 8-10 दिन और थोड़ा सा रुक आए तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर ये कटिंग से लग जाएगा तो इन पुराने पौधों से तो फिर बहुत सारे पौधे तैयार कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बगीचे में फूल निकल रहे हैं, ये देखिए और इधर निकला हुआ है, इधर ये देखिए गुलदाउदी, ये लो गुलदाउदी है, ठंडक के कारण देखिए ये कैसे गेरुए कलर में आ गई है, बिल्कुल भगवाधारी। तो ठीक है दोस्तों,
एक बार पुनः आप सभी को 2024 में बहुत सारी ढेरों खुशियाँ मिले और नया वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही शुभकारी रहे। देखिए दोस्तों, ये हमारा वेलकम प्लांटर है, ये हमेशा हमको याद दिलाता रहेगा कि हमने इसी के माध्यम से आप लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई इतना रिक्वेस्ट करना पड़ता है, आप लोग कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।